नमस्ते मिथिला, प्रणाम मैथिल, हम प्रकाश, अहाँ सब मिथिलावासी को फिर से स्वागत कर रहा हूँ मिथिला ग्लोरी के एक आपका सुंदर से मैथिली ब्लॉग में। और सुंदर से मैथिली ब्लॉग में अहाँ सब फिर से लोग आ गया छी। एक मुंबई महाराष्ट्र कह सकते एक बहुत बड़का हेरिटेज है जेकि अर्नाला पोर्ट है। ये ना पहलुका जमाना में बहुत यूजफुल पोर्ट है, तो तकरे घुमबै के लिए अहाँ सब गए जैसे कि अपना सबको दरभंगा में है। गोटे मुंबई में रहें और अठमा आवे के लिए चाहे तो अहाँ सब बता दी, अहाँ जत कतौ भी रही अगर विरार के लिए ट्रेन पकड़े पड़त। और विरार उतरल के बाद ना विरार वेस्ट से बस चले है, बस नंबर 321 ST वाला ललका वाला, जो अहाँ अठम अर्नाला चौक पर छोड़ देत, जर अहाँ कॉस्ट यानी कि 20 रुपया लेत बस वाला, और अहाँ अठम छोड़ देते। तो छोड़ल के बाद अहाँ कनी चल के आव पड़त लगभग 400-500 मीटर। और अहाँ सब देख सकते जखन फिलहाल स्पॉट लोकेशन में पहुँच गए और अठम देख सकते पूरा जते भी देखें चारों तरफ एकदम देख सकते माछे माछ है। यानी कि बुझे ना एकटा ना एक बहुत बड़का कोस्टल एरिया है वसई विरार का, क्या कि एतुका लोग के मेन इनकम के सोर्स ने से यह मच्छी मारने कह सकते फिशिंग है से। और जै जगह पर हम जा रहा हूँ जो अर्नाला फोर्ट है वही तरीका से पूरा रिमोट आइलैंड है, आसपास किच नहीं है, चारों बगल पानी है और बीच में वो जो पोर्ट से वो आइलैंड पर बसल से। तो चलो अहाँ सब ओम लगे चलिए, और एत से अहाँ सब हम देखा रहा हूँ जो सामने टावर दिखा रहा हूँ वो है एक्चुअली पोर्ट। तो एत से तो जाए के लिए कोनो रोड चाहे कोनो गाड़ी व्यवस्था नहीं है, जैसे पूरा नाव चले देख सकते। जखन फिलहाल हमारे गेटअप है से हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट है, एक बहुत बड़ा कारण है क्या कि अठम जो बनाएल गया है नाव के लिए से प्रॉपर नहीं है। अठम नाव पर चढ़े के लिए हमारा पानी में घुसा पड़ते, तो अगर अहाँ फुल पैंट चाहे जीन्स पहन के चाहे जूता पहन के आबे छै ना तो अहाँ खोलो पड़त, भीज से हो जाए अहाँ का मन किच किच करे लागत। ताहि दुआरे इनकेस अगर अहाँ आबे छी तो एनाहित अहाँ हाफ पैंट चाहे ट्राउजर पहन के आबू जेकि कम्फर्टेबल रह अहाँ एत से ट्रैवल करे के लिए। एत से जाए के लिए लोग आबे छै एहिठाम, जेनाकि जे भी टूरिस्ट आबे छथिन अगर ओहिठाम जाइ छै एक्सप्लोर करे के लिए तो हुनका से किछ चार्ज कयल जाइ छै। हमरा हिसाब से आई थिंक 20-25 रुपया चार्ज कयल जाइ छै, तऽ अहाँ सब गोटेके ओ हम बतायब जे एक्जैक्टली कते अमाउंट चार्ज करै छै और एक बार पूरा आगे कम्प्लीट वीडियो में देखबै छी अहाँ सब गोटेके। तऽ चलू एहि सुन्दर से मैथिली ब्लॉग शुरुआत कऽ रहल हम अपन बहिन जानकी के नाम के सङ्गे, प्रेम से केओ सब गोटे जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी। तो अहाँ सब देख सकते चाहे दुआरे गए कि एत जूता पहन के नाब, क्या देख सकते घुटना पर पहिने लोग सबके तो पानी उतर पड़ रहे हैं। ताहि दुआरे देख सकते हैं फिलहाल एत नाव चालू भऽ गेल छै जेकि लोग जे छै अपना सब गोटे के एतुका किला छै फोर्ट छै देखा। अगर हम आई नाव के चार्जेस के बात करूँ तो जेकि 20 रुपया छै नाव वाला हमरा सब लगन जाय आबै दुनू के, और यहाँ के जाइए काल में पे करय पड़त। अगर तो हम सिर्फ मैडम व्यू देखा देख सकते कितने सुंदर एठम लाग रहा है। नाव से उतरल के बाद जना अर्नाला गाँव में प्रवेश करबे एठम स्टार्टिंग में छै, एतो जे गाँव के निवासी छथिन हुनका द्वारा छै बहुत सुंदर दुगो तीनगो मंदिर के निर्माण कयल गेल छै, जाहिमे से पहला मंदिर अहाँ सब एठम देख सकै छियै माता काली के छनि, और हुनका संगे संगे हुनकर जे भी बहिन छनि जेनाकि एकवीरा देवी भऽ गेलखिन और जे भगवती छथिन हुनकर स्थापना भेल छै मंदिर में। तऽ अहाँ सब देख सकै छियै एकटा एठम छै बहुत सुन्दर मंदिर छै शीतला माता के, कालिका माता के, और एकटा जे महाराष्ट्रके बहुत प्रसिद्ध माँ छथिन एकवीरा माई जकर हम ब्लॉग सेहो बनेने छी, हुनको एठम मंदिर छै। और मंदिर देख सकै छियै बहुत प्यारा छै, इनकेस केओ एठम आबै छै वीडियो देखला के बाद तऽ प्लीज एहि जगह पर सेहो आबै, स्टार्टिंगेमे छै। मंदिर में दर्शन भऽ चुकल छै और अहाँसब लोग चलै छै ओकरा जे किला छै ताहिठाम, तऽ अहाँसब मैथिली देख सकै छी फिलहाल हम पहुँच गेल छी अर्नाला फोर्ट छै, अर्नाला किला छै, तकर जे मेन गेट छै ताहिके
जानवर छी तरह सब छाया चित्र बनाल गेल छै। पहिलुका राजा सब अपना गेट सब बनबै छलै और ई जे देखै छै तऽ महाराष्ट्र के जे पूरा हिंदू सम्राट कह सकै छै अहाँ सब शिवाजी महाराज छथिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्टिफाइड बोर्ड लग गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक संस्था है जेकि पुरनका जते भी धरोहर है वही पर रिसर्च ओकरा सर्टिफिकेट दै छै और एहन जे धरोहर है ओकर रखरखाव करै छै। अहाँ सब देख सकै छी मेन गेट तऽ चलू एतऽ सँ अहाँ सब गोटे अन्दर लग चलै छी और ई जे फोर्ट छै ई जे किला छै ओकरा बारेमे पूरा एक्सप्लोर कऽ कऽ अहाँ सब गोटे अपन मातृभाषा मैथिलीमे बतबै छी। और अहाँ सब गोटे देख सकै छी गेट के गुम्बद कते सुन्दर सी बनायल गेल छै और ई गेट पर छै ने बहुत सुन्दर सुन्दर एहिठाम छायाचित्र सेहो बनायल गेल छै। चलू एहिठाम सँ अन्दर प्रवेश करै छी और ऊपर अहाँ सब गोटे पूरा फोर्ट घुमाबै छी। एकटा चीज अहाँ सब गोटे हम बता दी ई जे किला छै ई किलामे एकटा सीढ़ी छै जाहिके माध्यम सँ अहाँ पूरा ई किला घुमि सकै छी। एहि दुआरे अगर अहाँ एहिठाम आबै छी तऽ अपन डाँर मजबूत कऽ आउ किएकि अगर एक बेर अहाँ एहिठाम चढ़लियै तऽ अहाँके छै ने पूरा किलाके राउंड मारऽ पड़त। अगर अहाँ बीच सँ चाहबै रिटर्न होइके लेल तऽ अहाँके ओतऽसँ फेर पीछा आबि कऽ इएह सीढ़ी सँ नीचा उतरऽ पड़त। देख सकै छी फिलहाल ई जे बहुत सुन्दर एकटा खिड़की जगह छै और एतऽ ई छै ने किलामे बहुत सारा एहन खिड़की छै जकरा छै ने हमरा हिसाबसँ एकरा बनायल गेल छलै एहि दुआरे ताकि छै ने जे दुश्मन सब छै ओकरा पर छै ने बहुत बढ़िआँसँ ध्यान राखल जाय और एहिठाम छै ने पूरा सैनिक सब रहै छलै जते भी अहाँ एहिठाम खिड़की देख रहल छियै सो दैट कि ई जे किला छलै एकरा छै ने प्रोटेक्ट करैके लेल। और अहाँ सब देख सकै छी एहिठाम छै ने बहुत छोट छोट घोर सेहो बनायल गेल छै हमरा बुझने ओहि टाइमके कोनो एहन स्ट्रेटेजी हेतै मतलब एहि सबके प्रोटेक्ट करैके लेल जाहि दुआरे ई भुरकी सब बनायल गेल छै। तऽ ई चीज सब छै ने अहाँके एहन जे हेरिटेज छै अहाँठाम देखैके लेल भेटत आ उसका युग जमानामे ई चीज सब नहि छै। एकटा चीज हमरा एहिठाम बहुत सुन्दर लागल अहाँ सब गेट पर देखने एबै शिवाजी महाराजके बहुत सुन्दर स्टैचू बनायल गेल छै और ओकरा बाद देख सकै छियै ई फोर्टके हाल जे छै ने केहनो भी है लेकिन एहिठाम देख सकै छियै भगवा झंडा अखनो लहरा रहल है जे ई चीज जे छै ने अपना मिथिलाके कोनो भी जे किला छै चाहे कोनो भी एहन जगह छै ताहिठाम नहि छै। अहाँ सब मैथिली कनि एकटा हिस्ट्री बतबै छी ई जे किला छै जे फोर्ट छै अरनाला तकर सबसे पहिले एहि किला पर छै ने मुगल जे आयल छलै जहन इंडियामे शासन करैके लेल तऽ ओ एहिपर अधिकार जमेने छलै ओकरा बाद जहन पुर्तगी आयल छलै पुर्तगाली ओ जे छै ने ओकरा बाद एहिपर अटैक केलकै और किलाके हासिल कऽ देलकै। ताहिके बाद जे पेशवा बाजीराव छलखिन जे महाराष्ट्रके बहुत बड़का शासन छलखिन ओ जहन महाराष्ट्रके ऊपर अपना कंट्रोल लेलखिन तऽ ओ जे छै ने किलाके अपना लेने छथिन लऽ लेने छलखिन। ओकरा बाद सबसे लास्टमे जहन मराठा शासन वसई विरार एवं महाराष्ट्रमे आयल छलै जहन पूरा ई जे जते भी हेरिटेज छै ओहिपर जहन कब्जा कयने छलखिन ओकरा बाद जे छै ने सबसे पहिले ओ वसईवला जे पोर्ट या बेसिन पोर्ट ताहिके ऊपर कब्जा केलखिन और ओहिके बाद जे छै ई जे पोर्ट छै ताहिके ऊपर कब्जा कऽ लेलखिन। एक्चुअली ई पोर्ट जे छै ने कोनो खास ओहन एहिमे बेसी चीज नहि छै किएकि एतऽ एकोटा घर तऽ रहैवला नहि छै एतऽ कोनो राजा सब रहै नहि छलखिन बस स्पेशली एकरा छै ने सिक्योरिटी पर्पजके लिए बनायल गेल छलै। एतऽसँ छै ने पूरा जे मराठा शासन छलै जे मराठाके जे राजधानी छलै ई वसैवला स्पेशली ई जे एरिया छलै ओकर रख रखावके लेल एहिठाम पूरा सैनिक रहै छलै और एतयसँ छै ने पूरा स्ट्रेटजी बनायल जाइ छलै एतयसँ पूरा सब देखै छलखिन अहाँठाम जे छै ने जे अपन हुनकर शत्रु छलै ओकरा पर ध्यान रखै छलै। तऽ इएह जे छै ने पोर्टके इतिहास छियै। Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul. Hi, तो देख सकै छी अहाँ सब गोटे अखन छै एकदम बहुत सीढ़ी जगह छै और जते भी पहिलुका किला होइ छलै ओहिमे राजा सब छै ने एनाहिते जे छै ने एकटा जे गुप्त रास्ता कहियो चौरौका रास्ता बनबै छलखिन सो दैट कि इनकेस कखनो छै ने दुश्मन ओकर हुनका पर अटैक करतै तऽ ओ छै ने अपना आपके एहिसँ प्रोटेक्ट कऽ सकै छलखिन। ताहि दुआरे रास्ता बनायल गेल छै ओना ई बहुत अन्दर तक छै हम अन्दर नहि गेलहुँ बेसी कनि दूर तक गेल छलहुँ किएकि बहुत सालोसँ बंद छै भऽ सकैए एहिमे बहुत सारा साँप की रहै आओर बहुत सारा एहन जीव जन्तु होइ जे हमरा हानि पहुँचा सकैए तऽ ताहि दुआरे जे छै ने हम अन्दर नहि जाइ छी। जे फोर्ट छै किला छै ओकरा बारेमे हम बहुत किछु बता देलहुँ। एकटा चीज आओर अहाँ सबके देख सकै छी ई फोर्ट अखन अन्दरसँ मतलब पूरा खाली छै अन्दरमे आब किछो छै नहि लेकिन एहिठाम जे एतुका लोकल छै जे अरनाला गाँवके लोक सब छै लोकल सब से एहिठाम देख रहल यऽ जे खेती कऽ रहलखिन हन ई जे जमीन छै ताहिपर और एहिठाम जे छै ने अखनो बहुत पुरनके जे क्लासिकल चीज सब यूज कयल जाइ छै अखनो फिलहाल पता यऽ एहिठाम पानि जे पियै छै एतुका लोक सब से जेना गाँव अपना सब गाँवमे इनार यऽ तेनाहिते एकटा देख सकै छी बहुत सुन्दर एहिठाम इनार छै एहिठाम और ओकरा बाद जे छै ने एहिठाम
एकोटा कॉल नहीं छै क्या सबुर के स्टार्टिंग में कहलूं एकटा आइलैंड छै कर चारों तरफ से जे छै ने समंदर वाला नमकीन पानी छै खारा पानी जकरा कहल जाय छै और बीच में एकटा एतय छै ने पानी के कुआं बनाएल गेल छै जहां पानी सब बुझो जे 12 महीने 36 दिन दुका जे लोग छथिन जे लोकल छथिन से सर्वाइव कर छथिन पिए छथिन एक संग अपन उसका मैथिली ब्लॉग हम खत्म कर रहलो आशा करै छी अहां सब मैथिली के ब्लॉग बहुत पसंद आयल अगर यहां सब के ब्लॉग नीक लागै या मैथिली वाला हम जे बनबै छी से त हमर जते वीडियो छै ओकरा लाइक करू अपना मैथिल संग एकरा शेयर करियो और जे अहां के राय ये हमरा अहां जे छै ने कमेंट बॉक्स में द सकै छी तो चलू मिलै छी अगला वीडियो में तामे तक सब गोटे मन ख्याल रखू सेफ रहू सुरक्षित रहू जय मिथिला जय मैथिली जय बहिन जानकी।